हैं तो आप ऊंचे स्थान पर चयनित कर लें, वहां पे चले जाएं, आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नेपाल से 6 लाख की से पानी छोड़ दिया गया है। हेलो, आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में रह रहे हैं तो नेपाल से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो आप अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं, चाहे आप बांध के नीचे में हैं, तो आप ऊंचे स्थान पे चले जाएं, सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फोर नेशन पर। कोसी और गंडक बागमती के साथ साथ महानंदा जैसी बिहार की नदियां उफान पर हैं। लगातार नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है। अब तक करीब 6.25 लाख क्यूसेक पानी गंडक और कोसी में डिस्चार्ज किया जा चुका है। दोनों अलग अलग नदियों के हिसाब से कुल अगर जोड़ के देखें तो करीब करीब जो है ये 11 लाख क्यूसेक पानी जो है इन दोनों नदियों में अब तक छोड़ा गया, और इससे बिहार में भयानक तबाही जो है वो आ गई है। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। आपको में या फिर जो वहाँ आसपास में जहाँ पर बाढ़ का खतरा अधिक है, किस तरीके से रात के अंधेरे में बिजली जब काट दी गई है तो लाइटिंग और जो लाउड स्पीकर हैं उसके सहारे लोगों को वहाँ से खाली कराया जा रहा है। दिखाते हैं इस पूरी वीडियो। आप ऊंचे स्थान पर चयनित कर लें, वहां पे चले जाएं, आपके लिए सुरक्षित रहेगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि नेपाल से 6 लाख की से पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो आप अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं, चाहे आप बांध के नीचे में हैं, तो आप ऊंचे स्थान पर चले जाएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जेल से लेके सर मोबाइल मेरा उसमें चल हेलो पटीदार जो भी रहते हैं रेता में सबको बुला लीजिए। 6 लाख पानी चूसे छोड़ा जाएगा, जो पहले पानी का स्थिति था ना उससे दुगना रफ्तार में पानी आएगा, दुगना भर जाएगा। आप लोग भी सतर्क रहिएगा, सबको सतर्क कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे हैं। हेलो 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 आप सभी को सूचित किया हेलो हेलो आप सभी को सूचित किया जाता है कि अगर आपके सगे संबंधी रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में रह रहे हैं तो नेपाल से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जो कि बाढ़ की स्थिति बन सकती है। किसी भी समय पानी बढ़ सकता है, तो आप लोग सही जगह ऊंचे स्थान पे चले जाएं। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके सगे संबंधी अगर रेता में रह रहे हैं या आप बांध के नीचे में हैं तो आप सुरक्षित स्थान ऊंचे स्थान पे चले जाएं, और अपने जो रेता में आपके सगे संबंधी रह रहे हैं उनको मैसेज कर दें, खबर कर दें, क्योंकि